Hey everyone, Saksham here back again with another video. और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CTF, catch the flag. सबसे ज़्यादा हीटेड टॉपिक आज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कुछ है तो CTF. एरा इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि पहले यूजुअली लैब्स के अंदर टेस्ट लेते थे या मे बी OWASP टॉप 10 को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, बट अब जितनी भी चीज़ें जितना इंफ्रा चेंज हुआ है इंटरव्यूज़ वगैरह का, तो यू टॉक अबाउट TCS या किसी भी कंपनी के सिक्योरिटी डोमेन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें एक CTF सॉल्व करने को दिया जाता है, उसके बाद फिर आपकी नॉलेज चेक करी जाती है इंटरव्यूज़ वगैरह में. तो एक्चुअली में ये CTF है क्या, कहाँ से आया, एंड CTF एक्चुअली में देखा जाए तो ये गेम था जो कि अमेरिका के अंदर खेलती थी दो टीम, जिसके अंदर दो फ्लैग्स हुआ करते थे अपने अपने ग्राउंड के अंदर टीम्स के अंदर, और एक टीम को दूसरी टीम का फ्लैग लेकर के आना है, और फिर उसके बाद वो चीज़ें ऐसे रूल करके लेकर आना है वो फ्लैग कि खुद का फ्लैग चोरी नहीं होना चाहिए. तो ये एक्चुअली में ऐसा था CTF, जो कि आज टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बन गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का. तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर CTF के बारे में, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो. ओके, अगर हम बात करें CTF की तो दो तरह के CTF होते हैं, एक तो होता है जेपार्डी स्टाइल और सेकंड होता है अटैक डिफेंस CTF. सो अगर हम सबसे पहले बात कर दें जेपार्डी स्टाइल के CTF के अंदर, तो उसमें आपको सेट ऑफ चैलेंज दिए जाते हैं, वो सेट ऑफ चैलेंज आपको सॉल्व करने होते हैं मे बी एज अ टीम या एज एन इंडिविजुअल. वो CTF के जब हम चैलेंजेस सॉल्व करते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुलते हैं, उसके अंदर नए नए चैलेंजेस ऐसे आते हैं. देखो, सबसे पहले अगर हम CTF की बात ही करें तो CTF का चैलेंजेस के अंदर मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा फ्लैग जिसके अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लेकर के आनी है सर्वर की सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए या मे बी वेब की सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए. जैसे ही आप सिक्योरिटी ब्रीच करते हो तो आपको वो फ्लैग मिल जाता है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता लगानी है. यानी जितना भी आपके अंदर स्किल्स है वो सारे अटैक्स करके आप वो CTF का वो जो छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन होता है वो लेके आते हो. दैट इज़ द सोल एम ऑफ CTF. अगर हम बात करें जेपार्डी स्टाइल CTF के अंदर तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी, इसके अंदर बहुत सारी एनकोडिंग डिकोडिंग होती है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो CTF के अंदर आना ही है. एंड सेकेंडली उसके बाद बहुत सारे रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी कमांड्स बहुत सारी आती है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा CTF के अंदर. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेबसाइट सिक्योरिटी के अंदर जो CTFs होते हैं, तो अगर वेब के टॉपिक के CTF की अगर हम बात करें इंडिविजुअली, तो OWASP टॉप 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर. अगर आपके OWASP टॉप 10 क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप CTF सॉल्व कर सकते हो. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि एक स्टूडेंट का आया था कि सर OWASP टॉप 10 आज भी एग्जिस्ट करता है उतना ही इंपॉर्टेंटली या नहीं. देखो, ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप बग बाउंटी की तरफ हंट कर रहे हो तो यस, OWASP टॉप 10 आजकल थोड़ा सा डाउन हुआ है. द रीजन बिसाइड दैट इज कि नए नए अटैक्स आ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिसके चैलेंजेस मेरा ये लगता है कि OWASP टॉप 10 आजकल अप टू द मार्क उस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं जा पा रहा है लैब के अंदर. बट अगर हम बात करें आप अगर बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको OWASP टॉप 10 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे जो लेवल ऑफ आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं वो अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप CTF में इजीली क्लियर कर सकते हो सारी चीजें. नेक्स्ट टॉपिक है CTF के अंदर यूजुअली जेपार्डी स्टाइल में आता है पॉनिंग. पॉनिंग के अंदर यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी आपको स्क्रिप्ट्स यूज करके और फिर उसके बाद आपको पॉन करना पड़ता है, जैसे बैकडोर भी बना सकते हो आप इसके अंदर, या पाइथन की डिफरेंट शेल कमांड्स होती है उनसे आप पॉनिंग करके और फिर आप सर्वर ब्रीच कर सकते हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है CTF के अंदर. बाकी के CTF मिसक्लेनियस होते हैं. मिसक्लेनियस CTF के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको नेटवर्क का थोड़ा सा कमांड होना चाहिए या मे बी सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको मिक्स करके एक मिसक्लेनियस टाइप का CTF का जो एक सब्जेक्ट रहता है, जो कि मोस्टली सारे CTF चैलेंजेस के अंदर आता है. उसके अंदर जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अगर वायरशार्क चलाना आता है तो वायरशार्क चला के आपको एक पैकेट ढूंढना है, उस पैकेट के अंदर वो फ्लैग है, तो या फिर ये आपके डिफरेंट पासवर्ड चेंज करने आने चाहिए आपको. तो ये मिसक्लेनियस टाइप का एक जेपार्डी स्टाइल में ये एक पूरा लैब होता है ये CTF का, या आप एज एन इंडिविजुअल सॉल्व करते हो. अगर आपके दिमाग में CTF आ रहा है तो आपके दिमाग में ये भी होगा कि बहुत सारे सर चैलेंजेस भी तो होते हैं, लाइव इवेंट्स भी तो होते हैं जिसमें एज ए टीम बन के हम लोग CTF को सॉल्व करते हैं. तो देखो, उसके अंदर क्या होता है कि वो होता है सेकंड तरीके का CTF एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं अटैक डिफेंस CTF. उसमें क्या होता है कि दोनों टीम को एक एक करके चांस दिया जाता है, जिसमें एक टीम को एक बार अपना सर्वर सिक्योर रखना है,
वाइल जो दूसरी टीम है वो उसके सर्वर पे अटैक करेगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। दूसरी जो टर्न आती है उसके अंदर ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, यानी जो टीम अटैक कर रही थी वो अब डिफेंस करेगी सर्वर को, अच्छे से मेंटेन करेगी, और जो सामने वाली टीम है वो उसके सर्वर्स पे अटैक करेगी। तो ये जो लाइव कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर ये अटैक डिफेंस वाला मॉड्यूल आता है CTF का। अगर हम बात करें CTF आप कैसे सीख सकते हो, तो देखो नंबर वन लेवल उसका ये रहेगा कि आपको OWASP टॉप 10 पूरे क्लियर करने आने चाहिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो नॉर्मल मॉड्यूल्स हैं ये आपको एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट होने आने चाहिए, उसके बाद आप CTF में पार्ट लेते हो। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि CTF में सर हमने ये जो भी नॉर्मल मॉड्यूल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के वो सारे कंप्लीट कर रखे हैं फिर भी हम CTF सॉल्व नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि आप डायरेक्टली बड़े CTF पे जंप करते हो लुकिंग एट द पॉपुलरिटी ऑफ हैकर वन। यूजुअली सब लोग सबसे पहले हैकर वन पे जाते हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज एक्चुअली में सबसे पहले आपको, मुझे लगता है कि पीको CTF पे जाना चाहिए। हियर इज द लिंक बिलो एंड हियर यू कैन फाइंड द पीको CTF। जो पीको CTF होता है दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वन, तो वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं और उसके रिसोर्सेज और ट्यूटोरियल्स काफ़ी हैं पीको CTF के। तो सबसे पहले आपको पीको CTF से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें CTF का जो ऑफिशियल कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड का, उन्होंने भी एक लैब बना रखा है जिसको हम बोलते हैं ctftime.org, जो हर साल एक नया CTF इंप्लाय करता है। अच्छा, वो वाले CTF सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा GitHub पे, ये रहा लिंक जहां पे बहुत डिफरेंट राइटअप्स हैं CTF के, जो पुराने CTF हैं, और बहुत सारे यूजर्स दिखेंगे आपको वहां पे जो ऑलरेडी वो CTF सॉल्व कर रखे हैं उन्होंने। तो राइटअप में GitHub की आप हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं पूरा कि उन्होंने कैसे रिपोर्ट सबमिट करी है वहाँ पे CTF सॉल्यूशंस की, और फिर उसके बाद आप दूसरे यूजर्स को भी देख सकते हैं कि इसने CTF कैसे सॉल्व किया है। बहुत सारे यूजर्स इसको पब्लिक करके रखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप CTF में हिट एंड ट्रायल करेंगे तो डेफिनेटली आपके CTF सॉल्व होंगे। CTF जो बिगिनिंग में होता है वो बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता है, एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज एक दिन तक बैठा हुआ हूँ फिर भी मुझसे सिर्फ एक ही CTF सॉल्व हुआ है, तो दैट इज़ प्रीटी नॉर्मल। आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई ऐसी कमी नहीं है, सबके साथ जो पहली बार CTF सॉल्व करता है उसके साथ ये होता है। तो यू नीड टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस वाइल सॉल्विंग एनी CTF। उसके बाद वाले CTF के लेवल पे अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छा सा रॉक सॉलिड CTF चाहिए थोड़ा एडवांस लेवल का, तो हिटकॉन CTF जिसका लिंक ये रहा फिर से, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर नहीं हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि गूगल ने भी आजकल CTF लॉन्च कर रहा है, तो गूगल CTF भी आप धीरे धीरे करके ट्राई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में ये तो सब कुछ CTF के बारे में, एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Octoparse। सो Octoparse इज वन अमेजिंग सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक, एंड ऑल यू कैन डू इज यू कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ स्टाफ फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड अमेजिंगली बिग वेबसाइट्स लाइक Amazon। सबसे अच्छी बात है कि इसमें API आपको बहुत ईजीली मिल जाती है, IP रोटेशन बहुत अच्छे से होता है, और जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आता है वो बहुत सीमलेसली आपकी Excel, CSV या डिफरेंट फॉर्मेट्स में निकल के आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें शेड्यूल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से, सो विच इज़ वन अमेजिंग टूल दैट यू शुड रियली लुक फॉर। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।